मतलब उनको बिना बताए बिना बताए जाते हैं। नहीं, अगर स्कूल में जाएंगे तो ये बच्चे यहाँ नहीं लिखने चाहिए। अपना पढ़ाई करो, आपको कुछ भी चाहिए आप हमें बता देना, हम खिला देंगे। कॉपी किताब हम इनको दे देंगे, यही खर्चा है ना आपका। हाँ तो बस पढ़ाने के लिए आयो बेटा, पढ़ाई करनी है। नजफगढ़ में। और कितना टाइम हो गया आपको है? कहाँ से हो आप? तो अभी इनके एडमिशन कहीं करवाने का पूछा नहीं कि हो नहीं रहा? नहीं अभी तो गए थे। कौन से वाले स्कूल में गए? दिल्ली गेट वाले पे, नंबर एक में। आधार कार्ड नहीं है? फिर दोबारा नहीं करे? तो फिर जाना था ना, वैसे हमने यहाँ भी बात कर ली है। ये घासीपुरा देखा है, नंगली के पास में, इसके आगे जो मेट्रो स्टेशन है ना। हाँ तो इधर भी सरकारी स्कूल है, तो इन बच्चों को आप, या तो मैं ले जाऊंगा, मैं इनका एडमिशन करवा दूंगा। आप सबका ना ऐसा करना, कल तो हम नहीं है, बुधवार को आप इनका, आप लोग आधार कार्ड और फोटो लेके आ जाना सुबह, फिर भैया वहां जाके एडमिशन करा देंगे। देख लो पास कौन कहाँ रहते हो, इधर पड़ेगा तो इस वाले में करवा दूंगा। और आप अभी कौन सी, वहाँ कौन सी क्लास में थे? मैं इधर वाले में। छठी में हुए हो? छठी में पढ़ रहे थे? छठी पर अभी। पर फिर बेटा यहाँ छठी में एडमिशन नहीं होगा, आपको पांचवी से दोबारा लेना पड़ेगा, पर वो ज्यादा सही है दोबारा वो करके। यहाँ है ना, ये नजदीक पड़ेगा आपको। अच्छा एकता मॉडल यहाँ रहते हो ना, अभी रोशन गार्डन के पास में है ना, रोशन गार्डन में रहते हो ना, एकता मॉडल वहाँ पड़ता है, तो वो आपको ठीक है, नंबर एक पास पड़ेगा वहाँ पे भी। हाँ ठीक है, वो उसमें करवा दूंगा। आप बताओ कि ये बच्चे आपके इतने होशियार होशियार बच्चे हैं, आपको तो खुद देखो, वो मेहंदी लगा के गई थी देखो। इसको जाना नहीं, इन बच्चों को आप ना पढ़ाओ, और आगे कोई भी जरूरत होगी ना तो आपने देख लिया, आप हमारे पास आ जाओ। कितने साल के है वो? अभी आप पढ़ते हो कहाँ पे? आप बेटा कौन सी क्लास में थे? दूसरी में। तो ये छठी में हुआ ना, पर तुम्हारा इसका पांचवी से होगा, छठी में नहीं होगा। पापा से मैंने कल पूछा था ना, वो कह रहे हैं जैसे दूसरे स्टेट से मूव करते हैं ना, तो एकदम से सिक्स में एडमिशन नहीं होगा, फिफ्थ तक हो जाएगा। तो कोई ना, अभी छठी में हुई है, फिफ्थ का दोबारा करके साल खराब करने से तो बेहतर है उसी से शुरू हो जाएगा। दोबारा गई नहीं, चलो अब आप इनके पास ही चाहे एक उसमें करके। बेटा आप ध्यान रखना, सबके आधार कार्ड फोटो यहाँ भेज देना वेडनेसडे को सुबह। बुधवार को सुबह आ जाना, मैं बात करूंगा स्कूल में, एक है सुबह 10 बजे आ जाओ। नहीं, 11 बजे। हाँ 10:30, 11 बजे आ जाओ, मैं एक बार स्कूल में बात कर लूंगा उनसे, और मैं फिर इन सबका नाम लिखवाऊंगा, ठीक है? ये क्या नाम है जो आपकी ये वाली गुड़िया है, इसको सारे काम आते हैं, आप इसको पढ़ाओ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं आपके पति? सरिया बांधते हैं। नहीं, अब इनको अच्छे से कराना, इसको डॉक्टर बनना है, फिर इसको डॉक्टर बनाएंगे। आप चाहते हो ना आपके बच्चे पढ़े? जी नहीं, तो पढ़ाने के लिए काम से आया कि मेहनत करके तो बच्चे। नहीं, इसमें रोने कोई नहीं, देखो ये एक तो लेकिन इसकी शर्त है, आपके बच्चे कभी यहाँ नहीं दिखने चाहिए साईं बाबा मंदिर के आगे। आप क्यों भेजते हो इनको? नहीं, चुरा करके मतलब उनको बिना बताए आते हैं। नहीं, अगर स्कूल में जाएंगे तो ये बच्चे यहाँ नहीं दिखने चाहिए। अपना पढ़ाई करो, आपको कुछ भी चाहिए आप हमें बता देना, हम खिला देंगे। कॉपी किताब हम इनको दे देंगे, यही खर्चा है ना आपका। हाँ तो बस पढ़ाने के लिए आयो बेटा, पढ़ाई करनी है, मम्मी काम करेंगे, आपको पढ़ाई करनी है, फिर सारी चीजें यहाँ नहीं दिखने चाहिए बेटा। कल आपने देखो झूठ बोला था ना, कल आपने झूठ बोला था ना, फिर नहीं, लेकिन फिर ये बच्चे देखिए यहाँ नहीं दिखने चाहिए, इनको पढ़ाओ। अब तुम लोग हमसे मिलने कभी आ जाओ हफ्ते में, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे नहीं घूमना है ना,
क्योंकि देखो जो पढ़ाई करते फिर आप घर पे पढ़ाई करोगे, सीखोगे, तभी तो आगे बढ़ोगे। उनको समझा जाते हैं कि नहीं मंदिर तंदिर तो नहीं जाना, कभी जाने को होगा तो खुद अगले कर जाएंगे कि हाँ देखिए प्रसाद प्रसाद ये चल जाते हैं ना काम करने, तो ये चल नहीं। देखो इन बच्चों को क्या नाम है स्कूल में डाल देंगे ना तो अपना सुबह तो उसमें पढ़ेंगे। आप कितने से कितने तक नौकरी करते हो? नौकरी तो भी नहीं करते। मतलब कहाँ कहाँ काम करने जाते हो? काम करते हो पोछा पोछा लगाते हो। और कितने बजे जाते हो सुबह? सुबह 10 बजे। और कब तक आते हो? 1 बजे चले। ठीक है, लेकिन कल तो शाम को थे ना ये बच्चे, शाम को तो आप घर पे थे? शाम को सिलाई करने चले थे। सिलाई करना, चलो कोई ना बेटा, अब आपने मम्मी का ध्यान रखना है ना, मम्मी को ऐसे तंग नहीं करना और ऐसे बाहर नहीं घूमना बेटा, क्योंकि देखो यहाँ का जैसे कारण है। नहीं आप ये भी समझो जो यहाँ का माहौल है वो इतना अच्छा नहीं है, तो आप अभी नए नए आए आपको कुछ पता भी नहीं है, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। अब ये बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, इनको भेजने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। चप्पल कहाँ है बेटा? घर क्यों रखी चप्पल है, यही से जानते ले गए आप इनको पढ़ाओ। देखो कोई जरूरत हो पढ़ाई लिखाई में तो आपने देख लिया, आप ये बच्चे लेके आए गुलाब। अच्छा थैंक यू। तो ये कल आए थे है ना, और आज ये थैंक यू के लिए गुलाब लेके आए। अब ये फिर आप मैं रख रही हूँ, फिर अब आपने एडमिशन लेनी है, ठीक है? ठीक है। तो यार ये बच्चे ना सुबह ही आ गए थे, कमाया है ठीक है। तो आज 10 बजे यहाँ पे मतलब 9:30 बजे के करीब लक्ष्मी जब नीचे क्लीनिंग कर रहे थे तो बच्चे ये तभी रोज लेके आ गए कि वो दीदी को आंटी को बुला दो कि हमने गुलाब देना है। तो फिर लक्ष्मी ने बोला कि अब दोपहर को आना, तो भी दोपहर को ये लोग आ गए। तेरा अब आज ऐसा कि हमें अभी थोड़ी देर में निकलना है वृंदावन के लिए, ठीक है? तो अब 1-2 दिन वहां पे लग जाएंगे, तो मैंने कहा वेडनेसडे होगा आके फिर एक है उनसे बात करके और फिर इनका एडमिशन करवा देंगे। बाय बाय। बस बस बाय। हो 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 हो। हेलो एवरीवन। राधे राधे। राधे राधे। समझ आ गया होगा, आज मतलब बहुत अरसों के बाद बुलावा आया है वृंदावन से। तो वहाँ की एक रील बहुत वायरल हुई थी मेरी, जब मैंने कहा था सड़क पे चलते चलते अरुण यू आर माई विटामिन एच, तो विटामिन ऑफ माई हैप्पीनेस। तो आज हम जा रहे हैं वृंदावन, हम लोग निकल चुके हैं, जस्ट अभी निकले हैं, 5 बजे हैं अभी। हम लोग माथा टेकने जा रहे हैं एक्चुअली। तो कल मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, मंडे है आज, संडे की ओपीडी फिनिश की थी, मंडे ब्रेक लेके ट्यूसडे की अब दोबारा ओपीडी अटेंड करूंगी। तो कल अरुण ने कहा उपासना चल तेरा थोड़ा सा माइंड भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं यार स्वामी प्रेमानंद महाराज जी से मिलने जा रहा हूँ, ठीक है? उन्होंने मुझे बुलाया नहीं है तो मैं मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि यार अरुण वैसे तुम बहुत चिट्टर हो, पता सब लोग मुझे कहने लग गया कि तेरा फेस बहुत बड़ा आता है, कैमरा मेरे हाथ में पकड़ाते हो मैं एक तरफ से इतना लगती हूँ तुम इतने से लगते हो, ऐसे भी है यार। तो यार तो यार अभी हम फटाफट से निकले, अभी बज रहे हैं 5-8 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, 9 बजे तक हम पहुंचेंगे क्योंकि उनको ब्रेक भी चाहिए होता है 2-3, हम डायरेक्ट नहीं चलते हैं। तो यार हमारा देश वैसे कुछ चीजों में तो बहुत तरक्की, मतलब इसमें तो नितिन गडकरी जी ने जो काम किया है ना हमारा, वो एप्रिशिएबल है। तो ये अब हम रोड कनेक्टिविटी, तो ये जो मुंबई एक्सप्रेस बना है दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस, हम उस पे जा रहे हैं अभी, मुंबई नहीं जा रहे हैं ऑल्दो, हम वृंदावन तक जा रहे हैं। अभी यार बुलाए नहीं बिग बॉस में हमें तो तो यार अब ये देख लो कि यहाँ से 114 किलोमीटर दिखा रहा है, 2 घंटे का टाइम दिखा रहा है, सीधा आप वहीं उतरोगे शायद। और भाई ये इतना सुंदर लग रहा है ना, हाय हाय हाय। और हमने थोड़ा सा और व्यू को अच्छा कर दिया इन सड़कों को लेकर। तो यार हम ना हाईवे पे जो है फंस गए एक्चुअली, यहाँ से ना रास्ता नेविगेशन कुछ और दिखा रहा था, तो फिर हमारे आगे ये गाड़ी चल रही है, इनको उन्होंने गाइड किया टोल प्लाजा वालों ने, क्योंकि हम 2 गाड़ियाँ भटक चुके हैं। तो
चलते ही आगे आगे चल रहे हैं, हम इनके पीछे चल रहे हैं, हमारे सर ड्राइविंग कर रहे हैं। अभी क्या है, नेविगेशन गलत ले रहा है, इस पे बहुत ज्यादा काम अंडर कंस्ट्रक्शन है इस रोड पे। और प्लीज जब भी आप चलो, खाने का सामान पीने का सामान लेके चलो, क्योंकि हाईवे पे कुछ भी नहीं है। अभी इस साइड पे जो वो रेस्ट एरियाज हैं, अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, आगे उधर गुजरात रुजात वाली साइड तो स्टार्ट हो चुके हैं। तो यार हम लोग ना एक्चुअली भटक चुके हैं, मतलब भगवान कसम आज कौन कौन से गांव में से हम लोग यहाँ पहुंचे। अभी 76 किलोमीटर का रहा। और हुआ क्या कि हम नेविगेशन के सहारे चल रहे थे और हरियाणा में नेट बंद था, नेविगेशन सब चीज़ें बंद हो गई, पूछ पूछ के कैसे पहुंचे। अभी भी 76 किलोमीटर दिखा रहा है और 9:45 हो चुके हैं, हमें निकले हुए 4.25 घंटे हो चुके हैं। हमें नहीं पता, हमने कोई एरिया नहीं छोड़ा जहाँ पे, मतलब 4.25 घंटे से पिछले 3 घंटे की जो जर्नी थी उसमें तो एक पानी की दुकान तक नहीं मिली। आज ऐसा सफ़र रहा। अरुण और मेरी ऐसी हालत हो गई, मतलब मैंने 1:30 बजे लंच किया था, इन्होंने 3 बजे के करीब किया था और अभी 9:45 हो चुके हैं। चलो सो फाइनली हम लेट हो गए, प्रेम मंदिर के आगे से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और अभी बज चुकी है ऑलमोस्ट 10:30। 10:30 बजे हम वृंदावन पहुंचे, हमें 5.5 घंटे का वक्त लग गया ऑलमोस्ट। प्रभु की भक्ति है, राधे राधे जपते जपते पहुंच गए हम तो। मस्ती करते करते बस हम लोग प्रभु का नाम लिया सिर्फ, पहुंच गए। अब हम यहाँ पे रूम लेंगे, उसके बाद मैं स्वामी जी से सुबह पता करेंगे यहाँ पे कि स्वामी जी से मिलने का। नहीं, अभी पता करेंगे, तभी आप प्रभात फेरी देखेंगे। हमें पता करेंगे और फिर स्वामी जी से मिलने का क्या पूरा प्रोसीजर है वो देखेंगे। सो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है, ये होटल नहीं होते यहाँ पे, सराय टाइप में, ये जो बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट है उन्होंने अपने बना रखे हैं। पर हम जैसे पहले आते थे ना, हम लेते थे, उसके बाद एक दो बार जैसे ट्रस्ट में रुके, अब हमें आइडिया हो गया कि यहाँ पे बेस्ट। और ये सामने भोजनालय बढ़िया बना रखा है, ये हमारा रूम 114। तो जैसे आपको सिंपल रूम है तो आप ऐसे रूम ले सकते हो, यहाँ पे आपको जो रूम होते हैं 1000, 1500, 800 सीजन के अकॉर्डिंग, वैसे इनका भी थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। तो बस आप आराम से आओ, अपना रुको, सो। हमें मतलब अभी तो हम क्या है, हम रूम में बस सामान रखेंगे, फ्रेश होंगे, फिर हम प्रभात फेरी के लिए निकलेंगे, फिर आगे थोड़ी देर सो के सुबह दर्शन के लिए निकलेंगे। जस्ट अभी हमने पता किया स्वामी जी के बारे में, तो सुबह 1 बजे टोकन लिया जाता है, 12:30, 1 बजे, और उसमें भी बहुत भीड़ होती है और अब तो मिल नहीं पाएगा, तो कह रहे कि सिर्फ उनके दर्शन ना वैसे खड़े होके कर सकते हैं, वो सुबह 2:30 बजे। उनके प्रवचन को सुनने के लिए टोकन नहीं मिल पाएगा गाइस। मैं बहुत मेरे को पता नहीं था कि ऐसे टोकन वोकन लेना होता है, और मेरे को ना, मतलब मेरा ना चेहरा सा उतर गया, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ, अभी स्टोरी डालता हूँ मैं इंस्टा पे, कोई तो यहाँ का होगा।